नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केलकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिशन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हमारा खुद का हॉस्पिटल है केलकर हॉस्पिटल, जहाँ मैं काम करता हूँ एज ए साइकियाट्रिस्ट। जो मैंने वीडियो पिछली बार में बताया था वो था पबजी गेम के बारे में, और आज मैं वो वीडियो के एक्सटेंशन कंटिन्यू करने वाला हूँ, जिसमें मैंने बताया पबजी का लॉन्ग फॉर्म है प्लेयर इन अननोन बैटल ग्राउंड। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि आजकल इतने इंस्टेंसेस आ रहे हैं कि पबजी के कारण लोग मानसिक संतुलन खो रहे हैं, उनको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। मेरे दिमाग में ये वीडियो तब आया जब हमारे यहाँ पिछले 2-3 हफ्तों में 2 पेशेंट आके गए जो बोल रहे थे कि पबजी गेम खेलने के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक लड़का आया था जो 11th में था, बहुत होशियार था, मेडिकल में जाना था, लेकिन अभी पेरेंट्स की ये कंप्लेंट है कि वो दिन में 6-8 घंटे पबजी खेलते रहता है, और वो तो बहुत ही खुश है। वो बोलता है कि अब मुझे मेडिकल में जाना नहीं है, मेरे को ट्यूशन करनी नहीं है, मैं दिन भर पबजी गेम खेलता रहूंगा। तब मुझे लगा कि ये सच में ये गेम इतना हावी हो रहा है कि लोग अपना भूख प्यास पूरे रिलेशनशिप सब कुछ छोड़कर ये गेम के पीछे भाग रहे हैं। सेकेंड केस हमने जब देखी तब वो ये थी कि एक लड़की जो 12 साल की है वो रात रात को उठकर चिल्ला रही है, पुकार रही है कि एक्सीडेंट हो गया, मैंने इसको मार डाला, मैंने उसको मार डाला, उसको बचाओ, इसको बचाओ। तो पेरेंट्स को नींद नहीं आ रही, और पेरेंट्स को ये ध्यान में आया कि ये लड़की पबजी गेम पे खेल रही है। ऐसे दो इंस्टेंसेस मैंने खुद ने ऑब्जर्व किए और ओपीडी में हमने देखे हैं। पबजी गेम के कारण इतने सारे मेंटल इम्बैलेंस हो रहे हैं और इतने सारे साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे बच्चे अपने स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे एब्सेंटिज्म कर रहे हैं, उनका जो एग्रेशन है टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स फ्रेंड्स, वो बढ़ रहा है। वो डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनको ये नहीं ध्यान में आ रहा कि ये वर्चुअल वर्ल्ड रियलिटी क्या है और वर्चुअल वर्ल्ड क्या है, ये उनको ध्यान में नहीं आ रहा, तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको नींद नहीं आ रही है रात भर, क्योंकि दिन भर तो वो स्कूल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात भर वो गेम खेलते रहते हैं, उसके कारण उनको नींद नहीं आ रही है। बहुत सारे बच्चों को सुसाइड के विचार भी आ रहे हैं, उनको लगता है कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। उनके जो एकेडमिक सेशंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उस पर उसका इंपैक्ट आ रहा है, वो पढ़ाई बराबर नहीं कर रहे हैं और उसके कारण उनका जो परफॉर्मेंस है वो डिटेरियरेट हो रहा है। वो बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगे, दोस्तों से झगड़ा, बहन से झगड़ा, पेरेंट्स से झगड़ा करने लगे। इतना ही नहीं तो पबजी गेम के कारण वो सब्सटेंस अब्यूज में चले गए, वो नशा करने लगे हैं, वो साइकोटिक होने लगे। साइकोटिक मतलब वायलेंट होना, चिल्लाना, गुस्सा होना, हर व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ना, ऐसे अलग 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 प्रकार के साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स पबजी गेम के द्वारा हो रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, पबजी गेम जो है वो साइको एक्टिव हो रहा है, मतलब हमारे जो माइंड है उसके साथ वो खेल रहा है, हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब कर रहा है। इनिशियली पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पबजी खेल रहा है, बिजी है, खेलने दो, लेकिन उनको ये ध्यान में नहीं आता कि ये स्लो पॉइजन है, ये स्लो सुसाइड है, और बच्चा धीरे धीरे अपने खुद के डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। इतना ही नहीं, मेंटल प्रॉब्लम्स के अलावा फिजिकल प्रॉब्लम्स भी पबजी गेम के द्वारा हो रहे हैं। बैठे बैठे धीरे धीरे ओबेसिटी बढ़ रही है, आंखों के ऊपर सीवियर स्ट्रेन आ रहा है, पेशेंट को हेडेक होने लगता है, पेशेंट का जो पूरे सेंसरी ऑर्गन है वो ढीले पड़ जाते हैं, पेशेंट का जो पल्स रेट है और हार्ट रेट है वो इतना बढ़ जाता है कि उनको पसीना आने लगता है। इतने सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी पबजी के द्वारा हो सकते हैं। अभी जो हो गए प्रॉब्लम्स, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है पेरेंट्स की काउंसलिंग करना और साथ में बच्चों की काउंसलिंग करना। पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, तो पेरेंट्स की हम काउंसलिंग करेंगे, साथ में बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, उनको ये बताएंगे कि अल्टरनेटिव दुनिया भी है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और हमने करना चाहिए, तो वो एक ट्रीटमेंट है। सेकेंड ट्रीटमेंट है बच्चों को दवाई देना। अगर बच्चा बहुत ज्यादा हद से बाहर गुजर रहा है तो हम उसको दवाई भी दे सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। नंबर दो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस हो गए हैं जहां पबजी खेलते खेलते बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, तो वैसा भी कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम बच्चों के कॉग्निशन के साथ, थिंकिंग के साथ
थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हैं और उनके थॉट प्रोसेस बढ़ाते हैं, बदलते हैं, तो उसके कारण बच्चा नॉर्मल हो सकता है। हमको ये देखना है कि पबजी गेम खेलते खेलते कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। शुरू में हमको लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पबजी गेम जीत रहा है और पबजी जिन्होंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, वो प्रोड्यूसर सब डायरेक्टर जीत रहे हैं। हार तो एक ही व्यक्ति रहा है, जो बंदा गेम खेल रहा है वो कंप्लीटली हार रहा है। साथ में जो पेरेंट्स है जो दिन भर घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं वो भी हार रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है मोबाइल रैशनिंग। मतलब बच्चों को पेरेंट्स ने डिसाइड करना चाहिए कि बच्चा मोबाइल कब यूज करेगा और कब बंद करेगा। स्पेसिफिक टाइम लिमिट देना चाहिए बच्चों को कि हाँ, आपने आधा घंटा ही गेम खेलना चाहिए, आधा घंटा ही मोबाइल यूज करना चाहिए, और साथ में हमने ये भी देखना चाहिए कि वो मोबाइल पे क्या कर रहा है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं और होके गए हैं जिन्होंने मोबाइल में कभी भी गेम्स नहीं खेले, पबजी नहीं खेला, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल है। हमारे टाइम में पबजी गेम नहीं था और हमने ये गेम खेला भी नहीं। तो ऐसे प्रकार का पबजी है। अगर कोई भी व्यक्ति ये गेम खेल रहा है, इसके आदि हो गया है, तो अपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।